हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा मटर, जो कि वेज है, वेजिटेरियंस के लिए। उसके लिए हमने एक बाउल मटर लिया है और ये सोयाबीन का चूरा है, न्यूट्रेला चूरा। आप ये इजीली अवेलेबल है, चंक्स भी आते हैं, पर आपको चूरा कर लेना है। ये एक बाउल मैंने ले लिया है। उसके लिए हमें चाहिए 2 अनियंस और 2 टमेटो। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मेरे पास पहले से बना हुआ है, और अगर आपके पास नहीं बना है तो आप इसी में ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 7-8 गार्लिक्स ले लीजिएगा और इतना इंच का अदरक ले लीजिएगा। उसके साथ आपको फाइन पेस्ट मैं इसका बना लूंगी। मैं पहले से ही अलग से पीस के रख लेती हूँ, तो ये मेरे पास है, तैयार है। मैं इसमें से ही 1 स्पून इसमें ऐड कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तेल मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। 4 टेबल स्पून ऑयल है इसमें। आप क्वांटिटी के हिसाब से ही उसमें तेल डालिएगा, जितना आपका प्याज टमाटर है, कि वो अच्छे से भुन जाए। ये वेजिटेरियंस भी खा सकते हैं कीमा मटर, ऐसा नहीं है, सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस ही खा सकते हैं। तेल गरम होने के बाद मैंने ये प्याज का पेस्ट बना लिया है, मैं इसे ऐड करूंगी। अभी हम इसे हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे। अभी मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। 1 स्पून इज इनफ। सोयाबीन के चूरे में जो हम कीमा मटर बना रहे हैं, इसमें हर एक चीज थोड़ी सी, नमक मिर्चा मसाला थोड़ा सा ज्यादा ही डलता है, इसलिए क्योंकि जब वो चूरा पकेगा, सोयाबीन जिसे कहते हैं, तो वो चीजों को, जो स्वाद रहता है खाने पीने का, मसाले वसाले जो रहते हैं, उनको वो थोड़ा सा लाइट कर देता है, इसलिए हम थोड़ा पहले से ही एक्स्ट्रा डालते हैं। मैं 2 चम्मच इसमें अभी हल्दी से सॉरी नमक डालूंगी। ये देखिए, मैंने 2 स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे लो फ्लेम कर दूंगी और इसे ढक दूंगी। 5 मिनट से हम कवर करके इसको पकने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। ये देखिए, 5 मिनट्स हो गए। टमाटर का जो पेस्ट बनाया था इसे इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच भर के गरम मसाला, क्योंकि सोयाबीन के चूरा है और उसके हिसाब से हमें हर मसाला, नमक मिर्चा सब कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना है, जिससे उसका टेस्ट वो अच्छा लगे। सोयाबीन है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही उसमें डलता है, वहाँ भी अच्छे से डालिएगा, कंजूसी नहीं। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च डालिए। नमक मैंने अभी डाल दिए हैं और मुझे इसके बाद अगर कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा बाद में और ऐड करूंगी।
अभी हम इसे कवर करके 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पे और भूनेंगे, जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे और अच्छे से भुन जाए। भूनते हुए 5 से 10 मिनट हो गए ऐसे, और ये अच्छे से इसमें मसाला छोड़ दिया है। तेज आंच करके आप इसको और भूनिए थोड़ा सा, और अब हम इसमें ये न्यूट्रेला चूरा ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से जितना आप सोयाबीन का ये चूरा लेते हैं उसके हिसाब से उतना ही मटर जाएगा। मटर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, आप चाहें आपकी मर्जी है, पर न्यूट्रेला एक बाउल के हिसाब से थोड़ा सा उससे कम ही, आप जितना रखते हैं जितनी लोगों की सब्जी बनाते हैं थोड़ा सा कम ही लीजिएगा, क्योंकि पकने के बाद ये वैसे भी अभी और बढ़ जाएंगे। ये देखिए मैं इसमें अब ये पीस डाल रही हूँ। इस स्टेज पे अब हम इसे प्रेशर कुकर में डाल के सीटी हमें लगाना है, मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए मैंने सिर्फ इसे कुकर में डाला है, ना तेल वेल कुछ नहीं, और गैस मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी और पानी डाल के हम इसे 2-3 सीटी दे देंगे, 2 तेज में दे दीजिए आप, 2 धीमे में दे दीजिए। ऐसे करके हम इसे अच्छे से इसमें पकाएंगे। कुकर में भी सीधे भून सकते हैं, आपको कढ़ाई यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं कढ़ाई इसलिए यूज करती हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से भून जाए मसाला, अच्छा स्वाद आ जाए। गैस को हाई फ्लेम पे करके ये हो गया है, अब मैं इसे बस कुकर, ये देखिए अब मैं इसे सीटी आने दूंगी, और उसके बाद स्टीम अपने आप निकलने के बाद ही कुकर खोलिएगा, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए प्रेशर रिलीज होने के बाद ही मैंने ये कुकर खोला था और ये सब्जी रेडी हो चुकी है। आप इसका पानी अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, आपको थिक चाहिए, थिन चाहिए, रोटी के साथ खाना है, चावल के साथ खाना, आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। बाकी ये यमी सी सब्जी तैयार हो गई है वेजिटेरियंस के लिए, कीमा मटर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जल्दी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।